नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। कल राधा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर ज्ञानवत्स ने दादा छतरी वाला मंदिर में राधा रानी के दर्शन किए और यहाँ चल रहे कीर्तन का हिस्सा बने। देखिए ये रिपोर्ट। राधाष्टमी के दिन देश भर के मंदिरों में रौनक देखने को मिली। कहीं भजन कीर्तन का आयोजन हुआ तो कहीं लोगों ने भंडारे के साथ राधा रानी की आराधना की। पालम में स्थित दादा छतरीवाला मंदिर में चल रहे कीर्तन में दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर ज्ञानवत्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। जहां एक ओर डॉक्टर ज्ञानवत्स राधा रानी की भक्ति में लीन नजर आए तो वहीं दूसरी ओर सागरपुर में राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स ने हजारों लोगों में भंडारे के प्रसाद का वितरण किया। पहले सबको राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जन्माष्टमी मनाता है वो राधाष्टमी जरूर मनाता है, तो ये तो हम बहुत लकी हैं कि हमें मौका मिला मंदिर माँ के दर्शन करने का। मैं सबको कहता हूँ मंदिर आना चाहिए, शांति मिलती है, प्यार बढ़ता है। बता दें, दादा छतरीवाला मंदिर के निर्माण में डॉक्टर ज्ञानवत्स के परिवार का एक बड़ा योगदान है। इस ऐतिहासिक मंदिर में डॉक्टर ज्ञानवत्स हमेशा पूजा अर्चना करने आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ सभी की सभी मुरादें पूरी होती हैं। ये मंदिर हमारे परिवार का है। यहाँ पे हमारे परदादाओं का कि वो बना हुआ है, बना रखा है, मंदिर बना रखा है, तो ये हमारे एक क्या कहते हैं कुल देवता वाला मंदिर है। जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था। उस दिन अष्टमी थी, इसलिए हिंदू वर्ष में अष्टमी के दिन राधा अष्टमी का जश्न मनाते हैं। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।